हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। और गाइस, बहुत 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 स्वागत है आपका अपने चैनल में। गाइस, हालांकि सीबीएसई क्लास 10 12 के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के ऊपर में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन एक अच्छी खबर जो हमने कल रात को लेट नाइट आपको दिया था कि ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं सीबीएसई की तरफ से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल रात से और आज सुबह के बीच में मुझे व्हाट्सअप भी किया है, मेल भी किया है, और बल्कि कई बच्चों ने ये भी कहा है कि मैं उनके नाम सहित वो अगर पॉसिबल हो तो दिखा भी दूं। तो हम आपको बता दें कि ट्वीट्स आने शुरू हो चुके हैं सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने शायद ये फील किया है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं रिगार्डिंग देयर कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो कम से कम उनके ट्वीट्स का जवाब दे दिया जाए। तो इसलिए बहुत सारे ट्वीट्स अब आने शुरू हो गए हैं। शायद आप बच्चे जो अभी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शायद आप लोगों के पास में भी, बहुत बच्चों के पास में, अगर आपने ट्वीट किया था सीबीएसई को तो उनके तरफ से आपको रेस्पॉन्स आ चुका होगा। एक बार आप अपना जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, ट्वीट्स में सीबीएसई बार बार सब बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस में यही कह रहा है। मैंने नोटिस किया कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बात रखा गया था कि उन्हें ओपिनियन लेना है अपने स्टेक होल्डर्स से, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स एसोसिएशन, देन देयर लीगल एक्सपर्ट्स, उन सब से वो राय मशवरा जो है, विचार विमर्श जो है, वो डिस्कशन वो अब करना शुरू कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर के आएंगी। और क्योंकि सेकेंड लाइन जो मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स में मैंने नोटिस किया वो ये था कि सीइंग द सिचुएशन, पूरा सिचुएशन को देखने के बाद में जैसा लगेगा, ठीक है, जिस हिसाब से व्यूज़ आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, और जिस हिसाब से कंडीशन होगा, उस पूरे सर्कमस्टांसेस को पूरा वॉच करने के बाद में, सब कुछ हर तरह के चीज़ों को फील करने के बाद में, उसके बाद में सीबीएसई किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ मुझे जो थोड़ा सा खटका, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि डिफरेंट न्यूज़ जो हैं चैनल्स, उसमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा बस खटक रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखा गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर में ये सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो खबर आ रही है कि सीबीएसई माइट स्टार्ट कलेक्टिंग ओपिनियन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, ये नेक्स्ट वीक वाला जो मामला आया ये मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये समझ में नहीं आया कि नेक्स्ट वीक तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज जैसा कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं यूट्यूबर्स हैं, वो सभी लोग या स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, पेरेंट्स, सब कुछ, सारे लोग ये सब वेट कर रहे हैं कि आई थिंक थर्सडे फ्राइडे तक का ही वेट हो रहा था इसी सप्ताह, ठीक है, जो कि अब कल परसों नरसों ही है अब। लेकिन अब अगर सीबीएसई का ये मैसेज आ रहा है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि यूजीसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अगला सुनवाई का जो डेट दिया था वो उनको डेट दिया था 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त, और आज हो रहा है 5 अगस्त। तो इट मींस कि हो सकता है कि 10 तारीख के बाद में कुछ सुनवाई हो, ठीक है, जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों से शेयर किया, ठीक है, क्योंकि ये बातें मेरी चीज़ें ये दिमाग में खटक रही थी, बहुत जगह मैंने इसको पढ़ा, स्टडी किया, ठीक है, बात करने की कोशिश की, तो यही चीज़ निकल के आ रहा है कि बोर्ड जो है इस वक्त प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे वो व्यूज़ ओपिनियंस लेगा, कलेक्ट करेगा, उसको किस तरह से वो लोग उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लगाएंगे या क्या करेंगे, ठीक है। सीबीएसई समझ रही है इस चीज़ को कि बहुत सारा जो ये जो केस है, ठीक है, COVID-19 का केसेस जो हर दिन हजारों की संख्या को अब क्रॉस हो चुका है, 60,000 प्लस हो चुका है, 19 लाख आसपास इंडिया में केसेस हो चुके हैं, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। अब जो कुछ मैसेजेस मेरे पास आए उसमें से, जैसे कि सोनू है, शुभम है, अवनीत है, देन निशा है, प्राची है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया है, व्हाट्सअप किया है, अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं उन्होंने सीबीएसई के ट्वीट्स का, तो सबका नाम लेना शायद पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे थे, मैंने अभी आप लोगों के सामने में 5-6 नाम ले लिया, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे अब जो लग रहा है वो कुछ पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 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 मैं फिर से अपनी बात पे अडिग हूँ कि सब कुछ होने दो, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रिपरेशन कहीं से चूकना नहीं चाहिए, आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है। और जैसा कि आज भी सुबह से कुछ कॉल्स आए मेरे पास में, अवनीश का कॉल आया और भी बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे, तो मैंने उन लोगों ने सवाल पूछा और मैंने यही जवाब दिया कि आप ये अपना जो प्रिपरेशन है, स्टडीज़ हैं, वो करते रहो, ठीक है,
आगे वो आपके काम आ ही जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, तो कम से कम आप सेफ रहोगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई हमेशा से सरप्राइज करता आया है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हालांकि मामला कोर्ट पे है और एग्जाम लेने के कोई कंडीशंस नहीं है। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका ओपिनियन क्या है, कल भी मैंने देखा, रात को भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे चैट किया और उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपका ओपिनियन क्या है, क्या लगता है। मुझसे पूछा जाए तो मैं एक सुर में एक डिसीजन दूंगा कि अभी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव निकालना चाहिए, कंपार्टमेंट एग्जाम्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे कि जी हो गया, नीट जो एग्जाम्स हो गए, इनको हम ज़्यादा लंबा समय तक पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और अभी कंडक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली कोई नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राव, उन्होंने इस चीज़ को ये किया कि वो भी चाहते हैं कि कम से कम इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं, जी और नीट, ये कम से कम कंडक्ट होने चाहिए थे, क्योंकि फ्रेश बैच आने में फिर टाइम लग जाएगा, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत थे कि अगर लाखों बच्चे जो हैं अगर वो ऑन रोड आ जाए, एग्जाम सेंटर्स पे आ जाए, तो स्थिति केरल कर्नाटक जैसा हो सकता है, बहुत विस्फोटक, और अभी तो और ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ में COVID-19 के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो गाइज, अभी के लिए मैं आप लोग को इतना बता दूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, उन्होंने कहा था कि सर सुबह भी आप एक वीडियो ज़रूर बना दीजिएगा, तो मैंने आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन देना बनता है, बिकॉज कल शायद हम सबसे पहले थे जिन्होंने ये फटाक से मैसेज डाला था तुरंत आप लोगों के लिए कि ट्वीट्स आना शुरू हो चुके हैं, खुद हमने रिसीव किया है ट्वीट्स, अब तो बहुत बच्चों के मैसेजेस आ गए कि अब ट्वीट्स, इसका मतलब सीबीएसई ने रिस्पॉन्ड देना शुरू किया, जो कि अभी तक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने जो ट्वीट किया था फर्स्ट ट्वीट वो बहुत पहले का था, सीबीएसई ने उसे रिस्पॉन्ड उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब जो रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है सीबीएसई ने सभी को, इसका मतलब सीबीएसई अब इन चीज़ों पे नोटिस करना शुरू कर चुकी है और कुछ अच्छा चीज़ निकल के आ सकता है। बट जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रिंट मीडिया को आप नोटिस करें, ठीक है, चैनल्स को नोटिस करें, तो उसमें एक चीज़ बोलता हुआ नज़र आ रहा है जो मुझे खटक रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ओपिनियन जो है वो ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में प्रोसेस स्टार्ट होगा और ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीक बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि न्यूज़ आज का है, तो नेक्स्ट वीक मतलब तो नेक्स्ट वीक हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 7 दिन मतलब अभी होना चाहिए था। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द कमिंग फ्यूचर, बट हम आपके साथ बने हुए हैं, लगातार बने हुए रहेंगे, और आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा किसी भी हालत में आप लोग अच्छे से शांत रहो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, टीचर्स आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, सो जस्ट स्टे काम, ठीक है, और आगे के लिए सोचो, पॉजिटिव रखते हुए आगे का सोचो, बट अपना प्रिपरेशन मत छोड़िएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, हम आपके साथ हैं, जय हिंद, जय भारत।